हाँ ऐसे कर देते हैं जैसे आपके अंदर आत्मा पोजेस हो गई है और फिर लोग सोचेंगे अंदर पक्का कुछ है, यही तो भाग जाएंगे। यहाँ पर इंसान से बड़ा कोई भूत नहीं है। अच्छा, आपको ना राजस्थान से बाहर भगा देंगे कि ये कौन आ गया इधर। उसके प्रेशर सिस्टम से दोनों नीचे के फाउंटेन चलते हैं। अगर मैं करने लगती ना ऐसा ब्लॉग बना दिया यार, मैं मम्मी करो किससे मना करा। मैं कह रही हूं ना, मेरे को थोड़ा वो हां क्या बहाना बहाना हो रहा है। अरे यार समझ नहीं सकते, समझाओ। वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। तो आज होने वाला है ट्रैवल का एक और वीडियो, जो कि एक छोटा सा ट्रैवल होने वाला है। हम दो दिन के ट्रिप के लिए निकले हुए हैं जयपुर के लिए, क्योंकि इस बार हमारा 31st का प्लान कैंसिल हो चुका है, बिकॉज इस इंसान के एग्जाम्स है एकदम न्यू ईयर के ही टाइम पे। एंड क्योंकि अभी पापा का भी 5 days वीक हो चुका है, तो हम लोग ऐसे वीकेंड ट्रिप्स के लिए निकल जाते हैं। तो आई विल ट्राई एंड ब्लॉग ऑल द फर्दर ट्रिप्स। अभी पिछले वीक हम लोग कुरुक्षेत्र गए थे एंड अभी हम लोग जा रहे हैं जयपुर। तो हम लोग सुबह 6 बजे निकलने का प्लान था, बट 1 घंटे डिले पे चल रहे हैं। 7 बजे हम लोग निकले थे, अभी 8:30 हो रहे हैं। हम जा रहे हैं मम्मी पापा और भाई, सब लोग साथ थे और कान्हा जी। अंदर होगा। अभी हम लोगों ने लिया अपना पहला रेस्ट स्टॉप, क्योंकि सुबह से कुछ खाया हुआ भी नहीं है और वॉशरूम भी जाना है। यहाँ पे एक्चुअली पता चल रहा है कि ठंड हो रही है। लुक एट द फॉग हियर, एकदम विजिबिलिटी बहुत लो है। अभी ठंडी का फील आ रहा है। मोटा वाला स्वेटर उतार के पतला वाला पहन के आ गई थी, क्योंकि वहां तो ठंड हो नहीं रही थी, पर बैड डिसीजन। बट काफी मजा आ रहा है। तो ये रेस्टरूम बंद था, इतनी दूर आने के बाद भी हम लोगों को वॉशरूम जाने को नहीं मिला। तो अभी 300 meters के आगे एक वो है पेट्रोल पंप, तो वहां पे हम लोगों को रेस्टरूम भी मिल जाएगा और कुछ खाने को भी मिल जाएगा। सुबह जल्दबाजी में मैं मेकअप भी नहीं करके आई हूँ, तो अभी हम लोग जब स्टॉप ले लेंगे उसके बाद मैं गाड़ी में ही बैठ के मेकअप करूंगी, उसका मैं शॉर्ट बनाऊंगी इस बार। तो चलो चल फटाफट चल। मैंने चलती गाड़ी में मेकअप कर लिया है, आई लुक अ बिट मोर प्रेजेंटेबल, पर अभी मेरा फेस काफी पटदारा लग रहा है क्योंकि आईब्रोज बनाए हुए बहुत टाइम हो गया। मम्मी आ जाओ, आगे आओ, फोटो खींचेंगे, एक बार आगे तो आओ, नहीं आओ ना, मैं 3 तक गिनूंगी तो गंदा मुंह बनाना है, ठीक है? ठीक है, 3 तक गिनूंगी जब, अरे 3 तक गिनने तो दो। राजस्थान पानी नहीं है। अभी भानगढ़ कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 13 किलोमीटर भाई। लेकिन मजाक से हटके भी जैसे तो वैसे डर लग रहा है। हाँ सही में एकदम बंजर धरती, खाली खाली ऐसा लग रहा है, सब टूटा फूटा है इधर। वैसे तो लोग भी नहीं दिख रहे, बाल बांध ले, मैंने बांध तो लिए भाई, पर जैसे मूवीज में नहीं दिखाते। ये वो वाली मूवी है यार, ऐसा दहशत सा दिमाग पहले मम्मी आ रही है जो के असली में थोड़े राजस्थान में पानी नहीं है। आप कैसे लोग मर नहीं जाएंगे यार? मम्मी आप कैसी बात कर रही है, यहाँ लोग पानी नहीं पियेंगे। महादेव मंदिर तो ज्यादा जोर से हाथ जोड़ोगी और क्या पता है ना आगे क्या है। काना को मैं पकड़ूंगी भानगढ़ में। काना को अंदर मत ले जाइए, सारा भूतिया वो खत्म हो जाएगा अंदर। नहीं नहीं भाई, काना मेरा आज पैसे ले जाओगे यार वहाँ मंदिर अंदर। मम्मी अंदर मंदिर बने हुए हैं डर के मारे। मंदिर है अंदर उसके,
लेकिन काना नहीं है, काना मेरे हाथ में। अग्रसेन की बावली भूतिया बोलते हैं। है वो भूतिया तो हमारी थी ना। सुन, अग्रसेन की बावली ये दुनिया के लिस्टिंग में आती है हॉन्टेड प्लेस में, नंबर वन पे। हाँ, नंबर वन पे। मतलब मेरे फैक्ट्स क्लियर नहीं है ऐसा ये बोल रहा है, बट जो भी है तो सोच मम्मी वहाँ ऐसा मत कर देना, मेरे को छोड़ लग जाएगा। मैं वही तो कह रही हूँ, अभी हम नकली नकली भानगढ़ गए थे, अभी असली भानगढ़ में आ गए। और भाई रास्ता तो एकदम, पर इस रास्ते में अगर तू सोच थोड़े अंधेरे के टाइम पे आ जाए, मैं आऊंगी खाटू श्याम। यहाँ नहीं है खाटू श्याम जी का वो मंदिर। अरे तो वो राजस्थान में वो है ना भाई। भाई ओ भाई, भानगढ़ का किला किधर है? ओके चलो, कोई है वहाँ? अरे यार मम्मी यार ऐसी बात मत करो, आपको ना राजस्थान से बाहर भगा देंगे कि ये कौन आ गया इधर। अरे कोई है कहने का मतलब, वहाँ कोई गए कहने का मतलब। अच्छा, कोई नहीं जा रहा, गाड़ी एक भी नहीं जा रही। अरे ऑक्सीजन ना आयो ना, मुझे डर लग रहा है। मैं ना अचानक से अरे ये क्या करूँगा, तो पापा और मम्मी आप मत डरना। नहीं नहीं गौरव, ऐसे मत करियो भाई, खाली नहीं भाई, खाली बीमार हो गए तो। भाई आगे माउंटेन रेंज दिख रही है ना, और उसके क्लियर नहीं है, पीछे के भूत नहीं आए क्या? यही है कहाँ? पहाड़ों पे नहीं है रास्ते में। A few moments later, ये मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा भानगढ़ का किला है। हम लोग पहुँच गए, पड़ेगा पूरा खंडारी खंडार है। यूट्यूब मारे ऐसे डाल रहे थे स्टोरी, ले ले भाई स्टोरी भी पता चल जाएगी। 200 ही तो है, ठीक है 200 में चल लो, नहीं 200 ठीक है। अब तू सोच यहाँ पर रात में रुकना सही में कितना, सही में भाई इतने डिजर्टेड प्लेस। ऑनलाइन करने में 20 रुपए की और ऑफलाइन में 25। बड़ा कोई भूत नहीं है। अच्छा, रत्नावती अच्छा, तंत्र भी दक्षिणा चाहती थी तो पूरे हिंदुस्तान में ढूंढ के आ गए। अच्छा, उनको तांत्रिक मिला, उस तांत्रिक ने सबसे ऊंची जगह ली थी। अच्छा, वो पार्क को प्रॉपर कुटे दिखे ऊपर, हाँ हाँ, पर जगह ली पीछे को। जब रानी रत्नावती का ना सातवीं तंत्र विद्या चल रही थी, जब उस तांत्रिक के मन में लालच आ गया था, इतनी सुंदर रानी रत्नावती, तभी रानी रत्नावती है ना उसके शिवकुंड में नहा रही थी। जब उस तांत्रिक ने देख लिया था, नीचे आके रानी रत्नावती के साथ छेड़ाछाड़ी करने लगा। दासी देख लिया, दासी राजा महाराज को बोला, राजा महाराज उस तांत्रिक को जेल में बंद कर दिया। और तांत्रिक जेल में से गायब होकर वापिस चल गए अपनी कुटिया के ऊपर। लेकिन रानी रत्नावती के पास ना इत्र खत्म हो गया था, कोई इत्र लेके जा रही थी। जब उस तांत्रिक ने रोक लिया था, ऐसे की रात कौन मंगा रहा है इस इत्र को, उसने से बोला रानी रत्नावती ऐसा मंत्र कर राम रत्नावती चित्र को लगाएगी, ऑटोमेटिक मेरे पास आ जाएगी। उसने उस चित्र को नहीं लगा, एक बड़ा शिला था जिसके ऊपर वो इत्र डाल दिया उसने। पीछे बड़ा ही तो बड़ा शिला था ना, उठ के उसके माले गिर गया। तो उसने शराब दिया था मरने से पहले तांत्रिक ने। एक रात को पूरा उजड़ जाने के मैं तो मर रहा हूँ। ये पूरी दुकान है, 425 दुकान है ये पूरी। तो बारात को निकाल दी, पूरी बारात गायब हो गई थी। गायब हो गई थी, पूरे लोग गायब हो गए थे। अंदर करुण अर्जुन की मुंह बनी, जो मंदिर है गोपीनाथ जी का, सोमेश्वर जी का, चंद बाबा का, गणेश जी का, ओमिया जी का, गोपीनाथ जी का, बहुत सारे मंदिर है अंदर। तो ये पहले दुकानें हुआ करती थी। हाँ ये दुकानें हुआ करती थी। अंदर चलना कैसे चलना है? रास्ता आगे से। अच्छा उधर जाने का? अरे यहीं से बीच से चलते हैं यार, पागल है क्या? सीधे रास्ते में चल। ये सीढ़ी है, ये क्या है? इसके अंदर चलना जरा, ये नहीं ना सीढ़ियां, आ जा। वाओ यहाँ से क्या व्यू दिख रहा है।
हाँ पहले गिरा रहा है, अच्छा ढूंढ रहा है कहाँ गया। अरे मम्मी हाँ ऐसे कर देते हैं जैसे आपके अंदर आत्मा पोजेस हो गई है और फिर लोग सोचेंगे अंदर पक्का कुछ है, यही तो भाग जाएंगे। मम्मी एक बार करो तो नशे में लग रही हो, भूत में लग रही। जाते टाइम डर नहीं लग रहा। मम्मी कैसा लगा आपको? लगा डर? मैं तो लोगों को डरा के आई हूँ। अब हम जा रहे हैं एम्बर पैलेस या फिर अमेर फोर्ट बोलते हैं ना उसको, ऐसी कुछ था। अब वहाँ जा रहे, फोन में बैटरी कम है, वहीं जाके मिलते हैं। Many hours later, आमेर में हम लोग अभी, एंड सबसे पहले हम आमेर फोर्ट या एम्बर पैलेस बोलते हैं उसको, वहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 kilometers का जाम है। तो उसकी वजह से हम लोग अपनी गाड़ी पीछे ही पार्क करके आ गए हैं, एंड अब हम लोग इधर से पैदल ही जाने वाले हैं क्योंकि जो ई रिक्शाज और ऑटोज हैं वो भी नहीं जाने को कह रहे हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा जाम है। तो चलो चलते हैं एम्बर फोर्ट, वेरी एक्साइटेड। ऑल्दो मुझे मन था कि इंडो वेस्टर्न वाओ द सन किस ग्लो इज अमेजिंग, बट मेरा बहुत मन था कि ऐसा फ्लोई फ्लोई सा स्कर्ट या ड्रेस पहन के फोटोशूट कराऊँ इधर, बट वो समर्स में ही हो पाएगा। सुबह की तो बहुत ठंड थी एंड इट वॉज इन पॉसिबल। एम्बर फोर्ट की एंट्री टिकट है 102 rupees पर पर्सन। तो अभी हमने टिकट लेने के लिए भाई को भेज दिया है, एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको गाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अवेलेबल हो जाएंगे। 400 rupees उनका चार्ज है अगर आप चार लोग हो तो, और अगर ज़्यादा लोग हो तो फिर उस हिसाब से फिर वो चार्जिंग करते हैं। एंड अभी हम लोगों ने गाइड भी ले लिया है ताकि हमें पता चले कि इधर अंदर की हिस्ट्री क्या है। अभी आई एम ऑलरेडी सनबर्न, बहुत ज्यादा टैनिंग हो गई, यहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी है। हम लोग पहन के तो आ गए थे विंटर्स के आउटफिट, बट यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा गर्मी है। आई डोंट नो रात में क्या होने वाला है, बट आई एम ऑलरेडी टैन एंड लेट्स सी कि यहाँ की हिस्ट्री क्या है। इस पैलेस को बनाया गया था हिंदू आर्ट को पर्शियन आर्ट के साथ मर्ज करके बनाया। हर पिलर ऊपर जाके गए होंगे, हाथी के सबसे अटैच दिख रहे फूल से उठा हुआ, ये गणेश जी को दर्शाता है, इसके हिंदू आर्ट को रिप्रेजेंट करेगी। लक्ष्मी जी का फूल है फूल से, हैंगिंग ये भी इसका हिंदू पार्ट है। नीचे वाले पर्शियन आर्ट, पर्शियन आर्ट का कोई सिंबल नहीं होता, फ्लावर से लीक्स होता। पार्ट है उसको दीवाने खास बोला जाता है। सर्दी में 6 महीने यहाँ पे वेलकम नहीं रहती, अब गर्मी में 6 महीने इसके अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, अंदर इसमें बड़े बड़े ऑयल लम्जेल रहते थे स्टैंड पे, पहले रिफ्लेक्शन से गर्म हो गए, तारों वाला फील। अच्छा, इसको शीश महल बोलते हैं। अच्छा, ये सारे सबसे बड़े ग्रास प्लस ही है। उस जमाने में रानियों का बर्थडे दिवाली का फंक्शन, शी वॉर हैवी चुन्नी विद महारानी साड़ी, उसका वेट अप्रोच 8 to 10 kg, और रानियों को चलने में दिक्कत ना आए। उस जमाने में चंदन की बग्घी है, बैठा के उसको पुल करके लेके, अच्छा उसके लिए रैंपार्ट भाई। रानियों के भले पर्दे थे पर ठाट भी कम थोड़ी थे। हाँ, पानी फिल किया जाता था मैन्युअली, उसके प्रेशर सिस्टम से दोनों नीचे के फाउंटेन चलते। एंट्री से आके राइट हैंड साइड पे एकदम अच्छा सा ड्रेसिंग एरिया है, जिसमें कि यहाँ पे एक फुल लेंथ मिरर है, एंड ये मुझे एरिया काफी अच्छा लगा। लगेज, देन हियर वी हैव ऑल आवर टॉवल्स, यहाँ पे वार्डरोब है जिसमें आप अपना कोई भी सामान रख सकते हो, एंड यहाँ सामने ही वॉशरूम है जहाँ पे वी हैव अ शावर एरिया, एंड यहाँ से रूम दिख रहा है, एंड देन अगेन एक मिरर है यहाँ पे। मुझे यहाँ का ये जो ग्रे एस्थेटिक है मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। देन वी हैव आवर टॉयलेटरीज हियर, तो वॉशरूम से फिर इस साइड में हमारा रूम है। सो दिस इज द रूम, इस साइड यहाँ पे टेलीविजन है,
यहाँ पे हमारा छोटा सा कॉफी बार है एंड देन यहाँ पे एकदम क्यूट से कोजी सी सीटिंग एरिया है. देन हियर वी हैव द बेड एंड ये रहे बड़े से कर्टेंस जिसके बाद ये आप जंगल का व्यू. ओह खिड़की को खुलती है. वाओ मून देख कितना अच्छा लग रहा है. नाइस. The next day. Good morning from Jaipur. ये जयपुर का सन एयर और वाटर मेरी स्किन को नेक्स्ट लेवल सूट कर रहा है. आई एम नॉट इवन किडिंग. मेरी स्किन इतनी बुरी तरीके से ब्रेकआउट कर रही थी फॉर सम रीजन आई डोंट नो व्हाई बट कल बहुत ज़्यादा इधर मेरे को टेक्सचर लग रहा था. एंड अभी मैं मॉर्निंग में उठी हूँ लाइक कल मैंने फेस वॉश किया था मॉर्निंग में उठी हूँ एंड माई स्किन फील सो सॉफ्ट. ये तो मुझे लग रहा है मेरे को ये डैंड्रफ की वजह से फंगल एक्ने हो गया है. मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाने का वो लग रहा है कि दिखाना पड़ेगा. एंड बट येस माई स्किन इज डूइंग अ लॉट बेटर टूडे मॉर्निंग. तो यहाँ का पानी मुझे बहुत अच्छे से सूट कर रहा है बट अदर देन दैट मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है. यहाँ पर ठंड बिल्कुल भी नहीं है. मैं ऐसे मोटे मोटे कपड़े लेके आ गई थी कि ठंड होगी बिल्कुल भी ठंड नहीं थी. लाइक रात में हम लोग ब्लैंकेट्स हटा के सोए हुए हैं. तो कल हम लोग अमेर फोर्ट गए थे एंड वहाँ पर जो खड़ी चढ़ाई करके मेरे पैर इतने दुख रहे हैं अभी. ओ माई गॉड मतलब इट वॉज़ अ फुल लेग डे वर्कआउट. बट हाँ अभी हम लोग आज बाहर जाने वाले थोड़ी बहुत और जगह देखेंगे और फिर हम लोग घर चले जाएंगे. इट वॉज जस्ट एन इम्पल्सिव ट्रिप ऐसे ही हम लोग आ गए थे. तो अभी आई जस्ट गेट रेडी एंड आई सी यू इन अ बिट. बालों का तो बिल्कुल ही हाल खराब हो रहा है. इट इज़ सुपर फ्रिजी और मैं ढंग से बना के भी नहीं लेके आई थी. मैं सिर्फ बल्कि मैंने कंडीशन भी नहीं किया इस बार तो मैं सिर्फ एक लो पोनी बना लूँगी. दैट्स माई हेयर डन. बाल बिल्कुल ख़राब हो गए. आई एम गोना चॉप देम ऑफ दिस बर्थडे. एंड यस अब मैं हल्का सा मेकअप कर लेती हूँ. आज आई एम नॉट गोना डू मच फॉर माय मेकअप. बट हाँ कल हम लोग जब आ रहे थे वापस तो हमें नहीं पता था कि आमेर से जयपुर यू नो काफ़ी अच्छा खासा डिस्टेंस पे था. तो हम लोग आ रहे थे एंड देन वी जस्ट रियलाइज्ड कि पूरे रोड्स वगैरह पे ना यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स बिल्कुल भी नहीं है. तो इट वाज पिच ब्लैक. अजमेर दिल्ली एक्सप्रेसवे या आमेर दिल्ली एक्सप्रेसवे कोई सा ऐसे एक एक्सप्रेसवे है हम उस पे थे एंड इट वाज अ प्रॉपर हाईवे जिसका हमने टोल भी दिया है बकायदा. एंड देर वर नॉट वन सिंगल स्ट्रीट लाइट. फिर उसके बाद थोड़ा आगे जब जयपुर सिटी के साइड आए तो थोड़ा लाइट वाइट दिखने लगी. एंड देन मुझे थोड़ा सा जान में जान आई थी. फिर हम लोग इधर होटल में आए थे. आई रियली लाइक द होटल. सर्विस वगैरह भी अच्छी है. खाना बहुत बेकार है. ये वाले डेट्स पे ना सारे होटल्स बिल्कुल फुल्ली पैक्ड थे. हमें कहीं पे होटल मिला ही नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट. वरना मैं जयपुर सिटी में ही करती होटल. बट फिर हम लोगों ने यहाँ पर लिया. द होटल इज़ नाइस. सर्विस इज़ नाइस. फूड इज़ वेरी बकवास. लाइक नॉट वेरी बकवास. सम थिंग्स वर ओके इश बट द अदर्स वर नॉट दैट गुड. तो फिर कल रात को डिनर हमने जोमैटो कराया था. आफ्टर हैविंग स्नैक्स हियर हमने खाना जोमैटो से ही मंगा लिया था. सो यस ये सही है कि आप एटलीस्ट जोमैटो वगैरह आपको रात रात में भी डिलीवर कर देता है. मेरा बहुत ज़्यादा मन था नाहरगढ़ फोर्ट से सनसेट देखने का बट वो इस बार नहीं हो पाएगा. बट नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर आऊँगी. दैट इज़ ऑन माई बकेट लिस्ट नाउ. होटल से चेकआउट करके हम लोग आ गए हैं एंड पूरी रोड मतलब बिल्कुल ही अलग है. यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह का सिस्टम ही बिल्कुल अलग है. कहाँ से कौन घुस रहा है. रोड्स वगैरह के लेआउट्स बहुत ज्यादा डिफरेंट है. इतने ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि कितनी बार तो हमारा चालान ही करते करते बच गया. एंड जैसे ही हमने जयपुर सिटी में एंटर किया तो देख के ही पता चल गया कि अच्छा इसलिए इसको पिंक सिटी बोलते हैं. लिटरली एवरी बिल्डिंग हियर इज पिंक इन कलर. और इनका जो पुराना हेरिटेज अपना कल्चर है वो अभी तक प्रॉपरली प्रिजर्व्ड है एज इट इज. सारी बिल्डिंग्स वगैरह वैसे ही हैं. सारी शॉप्स घर एकदम पुराने टाइम की तरह. तो यहाँ से दिख रहा है बाहर से हवा महल. अभी हम लोग इसके अंदर जाने वाले हैं. तो यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रैफिक है तो हम लोग अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा देंगे एंड हम लोगों को एक
बैटरी रिक्शा ई रिक्शा वाला मिले हैं एंड उन्होंने हमें चार्ज किया है 400 रुपीज चार लोगों के लिए। और इधर आसपास की जितनी भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस है वो हमें सारी घुमा देंगे एंड प्लस उनकी अपनी आई थिंक पार्किंग भी है, तो अभी हम लोग वहीं पे जा रहे हैं अपनी गाड़ी पार्क कर देंगे एंड उसके बाद हम लोग ये सारे ही जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं ये अंदर से देखेंगे। पर अभी न्यू ईयर पे 50% ऑफ चल रहा है तो 500 पर हेड पे और नो टाइम लिमिट एंड 8 डिफरेंट एक्टिविटीज है। मौज महल से आ गए वहाँ पे, हमने 1900 रुपीज दिए थे, मतलब 2000 दिए थे चार लोगों के, बाइक का 100 रुपीज डिस्काउंट हो गया था स्टूडेंट आईडी से। इट वॉज नॉट वर्थ 500 पर हेड, उतना इंटरेस्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं था एंड लाइक आई वुड से गिव इट अ पास अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं, समवेयर अराउंड 10 to 12 इतने तक के भी चल जाएंगे, मतलब 10-12 साल तक के बच्चे हैं तो आप उनको मौज महल दिखा सकते हो, बट बाकी इट वॉज नॉट वर्थ द मनी, इतना कुछ इंटरेस्टिंग था नहीं। और अब हम लोग आ गए जंतर मंतर, इट इज सेड दैट यहाँ पे 19 डिफरेंट एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं। इंटरप्रिटेशन सेंटर में 8 मिनट की डॉक्यूमेंट्री वीडियो थी जहाँ पे पूरे जितने भी थे इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं उनके बारे में बताया गया था। और ये ऐसा नहीं है कि अपने ज्योमेट्री के और इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं, ये सारे एस्ट्रोलॉजी के लिए यूज होते हैं, सन रेज और जो शैडो पड़ती है उसके हिसाब से डिफरेंट एस्ट्रोनॉमी वगैरह के लिए यूज होता है, एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी सब चीज के लिए। तो अब आई विल शो यू दिस इंस्ट्रूमेंट्स, तो अगर आप यहाँ आओगे तो ये जरूर विजिट करना तो समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। शॉपिंग हो गई है एंड वी गॉट अ लिटिल स्कैम। तो यहाँ पे ऐसा सीन रहता है कि जो ईरिक मैंने आपको बताया था हमको मिला था 400 रुपीज, वो इट वॉज अ स्कैम। बाद में पता चला कि उस वाले टूर का सिर्फ 100 रुपीज लगता है, तो अगर आप लोग आओगे तो थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे हवा महल के बाहर आप लोगों को ऐसे ई रिक्शा वाले मिलेंगे एंड देन आस्क यू 500, 600, 800 ऐसे बहुत सारा बोलते हैं एंड देन वो लोग आपको मार्केट्स वगैरह भी लेके जाएंगे कि ये यहाँ की फेमस मार्केट है, आप यहाँ से शॉपिंग करो।
एंड आप लोग कर भी लो गया। एंड उसके बाद मुझे पता चला कि बाहर आके जब मैंने देखा तो यहाँ पे इधर पूरे से लोकल मार्केट है एंड इधर से एग्जैक्ट डबल रेट पे वहाँ पे मिल रहे थे। एंड उसके बाद पता चला कि इट वॉज ऑन कमीशन बेसिस वो ई रिक वालों का। तो आप लोग आओगे तो आप लोग स्कैम मत होना, हम तो स्कैम हो गए। वो अच्छी बात है कि हमने ज़्यादा कुछ लिया नहीं, पर ठीक है। फिर यहाँ लोकल जो मार्केट है यहाँ पे यू गेट अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेराइटी, बट आई एम वेरी वेरी टायर्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मेरा तो मन ही नहीं है अब शॉपिंग करने का, मम्मी पापा कर रहे हैं एंड देन वी आर जस्ट गोना हेड होम। सो इट वॉज प्रिटी ओके इश काइंड ऑफ ट्रिप, क्योंकि मुझे मतलब जितना हमने एक्सपेक्ट किया था हम उतना नहीं घूम पाए। एंड सबसे बड़ी चीज़ है कि जयपुर 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 आई थिंक इज़ अ लिटिल बिट ओवर हाइप। यहाँ इतनी भीड़ है एंड इतना कुछ नहीं है जितना मतलब हमने एक्सपेक्ट किया था। यहाँ पे सारे फोर्ट्स हैं, जैसलमेर सॉरी जयगढ़ फोर्ट, देन नारगढ़ फोर्ट, आमेर फोर्ट। तो जहाँ पे सारे फोर्ट्स हैं ना उस जगह का नाम आमेर है। वो जगह जयपुर से बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो आई वुड से कि अगर आप लोगों के पास ऐसा वीकेंड फ्री है तो रात दिन लुकिंग आउट फॉर होटल्स इन जयपुर, लुक आउट फॉर होटल्स इन आमेर, वहाँ पे रुको एंड वहाँ के सारे फोर्ट्स देखो। एंड फिर अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम बचता है तो आधे घंटे दूरी पे जयपुर है, तब आप फिर इधर आके जयपुर भी विजिट कर सकते हो। बट लाइक प्लानिंग अ ट्रिप जस्ट टू जयपुर डजंट सीम दैट मच फन टू मी, एटलीस्ट आई वुड नॉट कम हियर अगेन आई थिंक। बट हाँ, आप मुझे कमेंट्स में बताना अगर आप लोग जयपुर से और आपको लगता है कि मैंने इधर आके गलत घूमा है, तो आई वुड लाइक टू चेंज माई जजमेंट ऑफ कोर्स। एंड यस, अब चलते हैं घर।